शनिवार को एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा अब्सा द्वारा छात्रों एवं शिक्षकों के विकास हेतु समय समय पर विभिन्न उत्कृष्ट संगोष्ठियों तथा कार्यशालाओं का आयोजन करती रहती है। तो वहीं इसी श्रृंखला में शिक्षकों को शैक्षणिक दृष्टिकोण के नए आयामों से परिचित कराने के उद्देश्य एवं शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने की तकनीकों पर आधारित एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन ऑल सेंट स्कूल परिसर में किया गया। नमस्कार, मैं योगेश उपाध्याय, ऑल सेंट स्कूल प्रिंसिपल। आपको बताना चाहूंगा कि अब्सा के द्वारा आयोजित दूसरी टीचर्स ट्रेनिंग कम वर्कशॉप का आयोजन आज ऑल सेंट स्कूल कहरई शमशाबाद रोड में किया जा रहा है। इसमें जो भागीदारी निभाई है वो लगभग 40 स्कूल्स आगरा के आए हैं, जिसके 5-5 टीचर्स ने भागीदारी दी है। कुल मिलाकर 222 टीचर्स की भागीदारी हुई है इस ट्रेनिंग कम वर्कशॉप में। और जो आज की रिसोर्स पर्सन हैं वो हैं डॉक्टर रीटा सोनावत, जो कि मुंबई से आई हैं। डॉक्टर रीटा सोनावत एक बहुत ही बड़ी एजुकेशनिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, और उन्होंने शिक्षण क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े आयाम का स्थापित किए हैं। आज की इस टीचर्स ट्रेनिंग कम वर्कशॉप से जो टीचर्स यहाँ पर जिनका पार्टिसिपेशन है, उनको जो शिक्षण मिलने वाला है, जो ट्रेनिंग मिलने वाली है, मुझे पूरी उम्मीद है कि उस ट्रेनिंग का उपयोग कर वो जब बच्चों में उस ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो बहुत तेजी से होगा और टीचर्स के लिए भी बहुत फायदेमंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिमा राणा, डायरेक्टर ऑल सेंट स्कूल यूनिट खंडारी। यहाँ पर आज टीचर्स ट्रेनिंग का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें लगभग 40 आगरा के स्कूल्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और हमारी डॉक्टर रीटा जी आई हैं CBSE से, जो उनको ट्रेनिंग दे रही हैं, और टीचर्स उस चीज़ को सीख रहे हैं, नई नई चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग में सीख रहे हैं। बच्चों के भविष्य पर तो नेचुरली असर पड़ेगा, जब टीचर्स और अच्छे वेल ट्रेन्ड हो जाएंगे, टीचर्स को और उनको नॉलेज पड़ेगी यहाँ से तो मिलेगी, तो बच्चों को वो अपने आप ही और आगे प्रोग्रेस करवाएंगी। उस हिसाब से जैसे एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, एक्टिविटीज़ भी वो मैम करवा रही हैं, तो वो माइंड सेट ऐसा है कि माइंड उनकी इंटेलिजेंस भी यहाँ पर टेस्ट। डॉक्टर सुशील गुप्ता, अध्यक्ष एसोसिएशन ऑफ प्रोग्रेसिव स्कूल्स ऑफ आगरा। हर टीचर अपने आप में परिपक्व होती है, लेकिन फिर भी उसको जितनी भी नई चीज़ें आती हैं, जितने भी नए तरीके बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं, उसके लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हम समय समय पर उनकी वर्कशॉप लेते हैं। मेरा अपना मानना है कि नर्सरी से लेके 5वीं तक, जबकि बच्चा 11 साल तक का होता है, उसमें अगर हमने जो चीज़ सिखा दी उसको, जो चीज़ हमने समझा दी, जो मॉरल वैल्यूज़ हमने उसको दे दी, वो उसको ज़िंदगी भर रहती है। ये साइंटिफिकली प्रूफ हो चुका है कि 11 साल की उम्र में अगर आपने बच्चे के अंदर क्या खास बात है उसको आपने पकड़ लिया, तो आप 11 साल की उम्र से उसको उस खास बात में या उसमें जिसकी उसमें उसकी इच्छा है उसको आप ले जा सकते हैं। इसी चीज़ को देखते हुए अब्सा हर साल 3 वर्कशॉप टीचर्स की करती है। आज ऑल सेंट्स स्कूल में हमने प्री प्राइमरी यानी नर्सरी से लेके 5वीं क्लास तक के हर स्कूल से 5-5 टीचर बुलाई थी, लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि आज ऑल सेंट्स में 40 स्कूलों से 222 टीचरों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। और सब लोग जो हैं वो, क्योंकि जो इनिशियल क्लासेस हैं उसमें बहुत ज़रूरी होता है टीचरों को परिपक्व होना, टीचरों को नई चीज़ तरीके से किस तरह से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, किस तरह से बच्चों को समझना चाहिए। आज की खास जो मेंटर हैं वो रीटा सोनावत हैं, जो मुंबई से हमने उन्हें बुलाया है। उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन शी इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। वो इस क्षेत्र में बहुत माहिर हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज इस वर्कशॉप से जितनी भी टीचर्स आई हैं वो कुछ ना कुछ नई लेके जाएंगी, और उनके ले जाने का मतलब ये है कि हम हरारा देश का हर बच्चा अब एक नए तरीके से
उनको वो पढ़ाएंगे और देश के लिए वो एक अच्छा नागरिक बनेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।